कॉर्नफ्लोर, नमक। अब आलू को छीलना शुरू करते हैं। ये आलू को हमने छील लिया, छीलने के बाद स्लाइस कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और इस पे थोड़ी सी अजवाइन भी डलेगी, जो कि मैं भूल गई थी, अभी मुझे याद आया, आप नोट कर लें। हमने काटे थे, इसको एक बर्तन में डाल के अब मिक्सिंग करते हैं। अब हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, फिर नमक 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी अजवाइन। अब इसको करेंगे मिक्स, आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से करूंगी। कुकिंग ऑयल गरम हो गया है, इतना गरम भी नहीं है, इतना हल्का भी नहीं है। तो अब हम इसमें डालेंगे फ्राइज, ये हम फ्राइज डाल रहे हैं। फ्राइज को लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अंदर तक गल जाए कंप्लीट। ओके, इसे चमचे से मिक्स करते रहें ताकि ये कंप्लीट अंदर से और सारी गल जाए। अब ये पकने, ये बस डन होने वाले हैं, आप देख रहे होंगे ये अलग अलग हो गए हैं, बस डन होने वाले। ये बिल्कुल बाजार जैसे फ्राइज तो नहीं बनेंगे, लेकिन बाजार से बेहतर बनेंगे, इतने टेस्टी बनेंगे कि आप टर्स नहीं करोगे कि घर के फ्राइज हैं या बाहर के। ये फ्राई हो गई है फ्राइज, अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखें, आपको शक्ल से ही बहुत मजे की लग रही होंगी। ये मैं और डाल रही हूँ, ये फ्राइज हो रही हैं, पक रही हैं, हाफ डन है, हाफ डन होने वाली है। ये देखें, ये भी डन हो गई है फ्राइज, इसको भी निकाल लेते हैं। ये मैंने फ्राइज डाली थी, ये भी हाफ डन हो गई हैं, बस इसको मैं निकाल दूँ ये भी थोड़ी देर में। और दूसरी तरफ मेरा हो गया टी टाइम, तो चाय का मैंने पानी रख दिया, आप देख रहे होंगे। मैं तो हमेशा फ्राइज के साथ चाय ज़रूर पीती हूँ। ये भी फ्राई हो गए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, फ्राइज हो गई हैं डन। आप कह रहे होंगे गली हैं या नहीं, ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल डन है। अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसी बनी है। द
दिस इज वेरी टेस्टी, वेरी यमी। वेरी टेस्टी, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वेरी इजी एंड वेरी टेस्टी, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा आपको कैसी लगी रेसिपी, प्लीज शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।